हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और क्या कर रहे हैं जी आप लोग? आज गर्मी बहुत है बट क्या कर सकते हैं, गर्मी तो गर्मी है यार। आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी इस वक्त बज रहे हैं 3:30 और मैं बहुत लेट हो गई, बट यू नो क्या कर सकते हैं, गर्मी है, कुछ करने का दिल नहीं करता। अच्छा यार, मोस्टली गर्मियों में ऐसा होता है कि बिल्कुल कुछ दिल नहीं करता, आवाजारी हुई भी होती है, बेचैनी हुई भी होती है, नींद ठीक से नहीं आती है, कुछ सही खाने को दिल नहीं करता है, और गर्मी ज्यादा लग रही होती है, और वीडियोस बनाने का भी दिल नहीं कर रहा होता, व्लॉग करने का भी दिल नहीं कर रहा होता। अच्छा, तो यार ये बात है कि कुछ दिल नहीं कर रहा होता करने का, बस बंदा लेटा रहे और अजीब से लेथार्जिक हुए हुए होते, सुस्ती हमें बहुत ज्यादा हो जाती है गर्मियों में, बट कोई बात नहीं यार। अच्छा, मैंने बस ये शर्ट पहनी है, ठीक है, और अभी मैंने शॉवर लिया है, बाल गीले हैं मेरे एज यूजुअल, हल्के हल्के ड्राई भी नहीं किया मैं गर्मियों में। यार मैं बाल ड्राई भी नहीं करती, ड्रायर से भी आप लोग कोशिश किया करें कि अवॉइड किया करें जितना हो सके, बट सर्दियों में तो यू नो गीले बालों में उलझन होती है। मैं तो, मुझे गीले से ना वैसे ही बड़ी उलझन होती है, मुझे, मैं कहती हूँ कि ना बिल्कुल ड्राई हो जाए जल्दी से बाल, और वेट कपड़े भी ना पहने हुए हों, जल्दी जल्दी से ड्राई कपड़े पहने हुए हों तो शॉवर लेने के बाद बाल, लेकिन अब गर्मी इतनी ज्यादा है तो मतलब चल जाता है कि बाल आप ऐसे ही कॉम करके छोड़ दें और खुद ही ड्राई होते रहते हैं, तो बड़े मजे से ऐसे देखिए फ्लफी फ्लफी से हो जाते हैं। तो यार बस ये सीन है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगी गाइस, कि आप लोग घर पे हो चाहे ना हो, चाहे बाहर हो, कहीं पर भी हो, आप लोग अपने आप पर तवज्जो जरूर दिया करें, यानी कि सुबह उठकर स्किन केयर किया करें। मैं कहती हूँ चाहे आपकी सुबह 4 बजे शाम की क्यों ना हो, चाहे आपकी सुबह किसी भी वक्त क्यों ना हो, 10 बजे हो, 12 बजे हो, आप लोग स्किन केयर किया करें, हेयर केयर किया करें, अच्छे से बॉडी वॉश से अपनी बॉडी वॉश किया करें, प्यारा सा परफ्यूम लगाया करें, बॉडी स्प्रेस, ड्योड्रेंट जरूर यूज किया करें, गर्मी बहुत ज्यादा है, ड्योड्रेंट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, इलायची खाया करें ताकि आपके मुंह से भी अच्छी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए, इलायची जरूर खाया करें, माउथ वॉश जरूर यूज किया करें, इसके अलावा अपने नेल्स को क्लीन रखा करें, पाओं के, हाथों के, पैरों पर बहुत तवज्जो दिया करें, पैरों को साफ रखा करें, ठीक है। इसके अलावा बालों, बाल अगर आपने वॉश नहीं भी किए तो आप कॉम लाजमी किया करें, ऐसे ही मतलब वो बालों को छोड़ मत दिया करें, कपड़े साफ सुथरे पहना करें, ठीक है। और यार बस यही है, देखिए आप हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल आप लोग घर के अंदर भी होंगे ना, लेकिन अगर आप अच्छे लग रहे होंगे, आपने अपने आपको मेंटेन किया हुआ होगा, अच्छी से स्किन केयर की भी होगी और अच्छी सी आपके पास से फ्रेग्रेंस आ रही होगी, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। इट डजंट मीन कि आपने किसी को इम्प्रेस करना है और किसी के लिए आपने तैयार होना है, किसी के लिए आपने करना है, ठीक है। तो मैं तो अपने लिए तैयार होती हूँ, अपने लिए करती हूँ, तैयार होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने कोई ब्राइडल ड्रेस पहन लेना है और आप लोगों ने बहुत कोई हैवी मेकअप कर लेना है। अब देखिए मैंने लाइट सा काजल लगाया हुआ है और लिपस्टिक अप्लाई की भी है, वही वाला टिंट अप्लाई किया हुआ है, बाकी सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर और सीरम वगैरह जो स्किन केयर का होता है वही किया हुआ है। दैट्स इट, आई एम गुड टू गो। अच्छा तो गाइज यार, आज व्लॉग में करने के लिए कुछ खास नहीं था, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे ये बताएं, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने किसी के साथ बहुत अच्छा किया हो और आपको बदले में वैसा रिटर्न ना मिला हो? मतलब आपने अपना 100% दिया हो, अपना इनपुट आपने बहुत अच्छा दिया हो, प्यार, मोहब्बत, एतमाद, फिकर और सब कुछ आपने दिया हो किसी भी रिश्ते में, वो माँ बेटी का रिश्ता हो सकता है, बाप बेटी का रिश्ता हो सकता है, बहनों का आपस में रिश्ता हो सकता है, और मियाँ बीवी का रिश्ता हो सकता है, सास बहू का रिश्ता हो सकता है, और किसी भी तरह का आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है जिसमें आपको लगता हो कि आपने अपना बेस्ट इनपुट दिया है, आपने अपनी एनर्जी लगाई है इस रिश्ते को, मतलब इस रिश्ते में अपना जो होता है ना एक मोहब्बत देने वाला जज्बा वो आपका रहा हो, लेकिन आपको बदले में ठोकर मिली हो। और कभी ऐसे होता है कि जिस इंसान से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वही आपके मुंह पर ऐसा चमाटा मार के जाता है यार
कि मतलब आप लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, तो आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो मुझे बताइएगा। ये वाली मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई है रिवाज की। तो यार मतलब जिंदगी इसी का नाम है, धोखे का नाम ही जिंदगी है मेरे ख्याल से। चलो कभी इस पे मज़ीद बात करेंगे कि बड़े बेमुरव्वत लोग देखे हैं, बड़े बड़े बुरे लोग देखे हैं, और बड़े बड़े दो नंबर और बदलिहाज लोग देखे हैं, और बदलिहाज रिश्ते देखे हैं। यहाँ पे यार आज मेरी कमर में थोड़ा कुछ दर्द था गाइस। असल में आज मेरी ना यहाँ पे ये कमर में ना बहुत शदीद पेन है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्यों पेन है। बट शायद रात को सोते टाइम पिल्लो का भी होता है ना, कि पिल्लो कभी आप रखने कोई बल आ जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आई डोंट नो, मसल पुल हो जाता है कभी, मतलब कुछ ऐसा सीन हो जाता है, तो मुझे उसकी वजह से खासा पेन है, खासा पेन। तो व्लॉग करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। गाइज मौसम इस वक्त बहुत हसीन हुआ हुआ है, सो ब्यूटीफुल वेदर, बहुत 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 हसीन मौसम है। अच्छा जी, तो गाइज यहाँ पर मैं छत पर आ गई थी और ये रात का टाइम है और इस्लामाबाद वेदर इज सो अनप्रिडिक्टेबल, और बहुत हसीन हवा चल रही थी, पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन बहुत 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 तेज़ प्यारी हवा चल रही थी। मुझे कमर में दर्द था, बस मैंने रात में फिर कपड़े बस चेंज किए, इजी ड्रेस पहना, लेकिन जब मुझे पता लगा कि मौसम इतना फिट है, मैंने कहा चलो क्लिप कर लेते हैं, और फिर मैं छत पे आ गई। और अब आप लोग देखें कि स्टिल वॉइस ओवर के टाइम पर भी मेरी एनर्जी डाउन है, बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल। बट यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को देखकर नहीं फील होगा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज आई वॉज़ इन्जॉइंग द वेदर एंड दिस वॉज द वाइब आई टेल यू गाइज। बहुत प्यारी हवा चल रही थी, बस मैं जैसे फ़ौरन भाग कर आ गई थी छत पर, और मुझे बड़ा मैंने इन्जॉय किया हवा को, मौसम को, एंड एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटिफुल। बहुत प्यारा मौसम था। और जी बस मैं यहीं पर व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड किया करूं, अगर आप लोग वाकई ही में मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो। बाकी तो यार ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहेगी ऐसे ही, और बस यही ज़िंदगी है। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। बाय।